अभी चलो देख आपको दिखा देते हैं, चलो देखते चलते हैं, चल चलिए दिखाते हैं आपको, और बैक कैमरा दिखाएंगे, और उधर है अभी हम लोग उनको फिर हटा के जंगल में भी, जंगल में उनको डलवा देंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, अभी छोटे से निकले हुए, चलिए आपको अभी दिखाते हैं। तो फैमिली दर्शन कर लीजिए छोटे से शेष नाग की, जो नाग पंचमी के दिन ही आज हमारे घर में निकले हैं, और शायद लेकिन ये अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन ऐसा अंधविश्वास नहीं, हमारे इंडियन में तो माना जाता है, और आज खासकर आज के दिन निकल आए तो बहुत बड़ी बात होती है ना फैमिली। और हमारे यहाँ तो नाग पंचमी के दिन तो इनकी पूजा होती है, तो कोई बात नहीं, मैंने जैसे आकृति में छोटी छोटी सी नाग बनाए थे ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे छोटे से क्यूट से, मतलब क्यूट तो बोलेंगे लेकिन डर भी लगता है ना इनसे, लेकिन आज निकले हमारे घर में, तो मैंने मुझे तो दर्शन दिए, और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, आप लोग भी दर्शन करिए। और मन्नत मांगिए अपनी, और ये महादेव और शेषनाग हैं जो बिल्कुल देखिए कितने शाइन कर रहे हैं। अभी इनको उठा के मैंने आयुष से बोला कि इन्हें जंगल में, देखिए कितनी तेज मूव वो कर रहे हैं शेषनाग, अभी इनको मारा नहीं, मारेंगे भी नहीं क्योंकि छोटे से हैं बिल्कुल, और इनको जंगल में छोड़ देंगे ताकि ये अपनी लाइफ जिए, और मारना नहीं चाहिए। और आज तो वैसे भी नाग पंचमी है, तो देखिए कितने शाइन कर रहे हैं ना। अभी इनको भेज दूंगी, आयुष जा रहा है, छोटे से है कोई बात नहीं, अब देख लीजिए दर्शन कर लीजिए। छोटे से है तो क्या हो गया, है तो ना नाग, वो नाग देवता, तो मैंने तो मुझे तो दर्शन हो गया आज के दिन, तो मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ सावन में, सावन के महीने में, और नाग पंचमी के दिन। वैसे इससे पहले मेरे यहाँ एक निकले थे, और सब क्या निकलते हैं वैसे बारिश और सावन में, इत्तिफाक वाली बात नहीं है, लेकिन आज इत्तिफाक जो नाग पंचमी के जस्ट दिन मतलब निकला है ना, तो वो इत्तिफाक वाली बात हो गई। और मैंने इतने छोटे ही छोटे बनाए, और उतने ही बिल्कुल छोटे से जैसे बनाए वैसे ही निकले, बिल्कुल सेम टू सेम, आप देखिए कितने छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, वो तो मैं जूम करके आपको दिखा रही थी। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सावन और एंड रक्षाबंधन, अभी रक्षाबंधन भी बृहस्पति और शुक्र को है आने वाले, तो एक हफ्ता बाकी है, तो दोनों चीज़ की शुभकामनाएं, मैं तो रक्षाबंधन की एडवांस में आप सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ। और गाइस आपने देखा ना तो मतलब वैसे तो सावन के पहले भी छोटू सा बच्चा निकला था, अभी भी निकला, आपने देखा ना कैसा छोटा सा बच्चा एकदम, हमने डलवा दिया आयुष में जंगल में, उनको छोड़ दिया है। तो चलिए अब आपको आपके साथ जो है मैंने क्या क्या बनाया शेयर करते हैं, और आज मैंने बना ही दिया तो सुबह सब मतलब सुबह बन जाता है, और सुबह बना के बाबू को टिफिन नाश्ता वगैरह दे के उसके बाद मैंने पूजा वूजा करी, क्योंकि इनको खाना पीना पहले देना होता है, क्योंकि ड्यूटी है 8:30 बजे तक निकलना होता है, इसी वजह से इनको भेज दिया, और पूरा घर का काम फिनिश करके बच्चे भी नहा चुके हैं और सारा काम हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा लेट ही मिलेंगे, पूरा क्या बनाते क्या नहीं, अभी शाम के बाद ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बहुत कम चीज़ बनाई है मैंने, बनाई है धनिया की सब्जी कलरी, और हमारे इधर चने नहीं होते बॉयल, चने को कला दिया था, तो चने के साथ उसमें गेहूं डाल के, तो कुछ लोग घूगरी भी बोलते हैं, और सूप पहनी है, और जैसे कि दूध को बॉयल करिए उसमें चीनी डालिए और सूप पहनी डालिए, तो सूप पहनी अपना वो पूरी सिमई जैसी हमारी तैयार हो जाती है, तो वो बनाइए, और यही सब बनाया, और पूड़ी बनाई है, और शाम को जो सब्जी जो क्या बोलते हैं रसे वाली सब्जी जो बनानी होगी वो मैं शाम को बनाऊंगी, और कोई घर में रहता है नहीं, कोई है नहीं तो हम लोग कितना खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों का तो ये चने वने और सिमई, कुछ लोग सिमई बनाते हैं,
सिमाई है, सूट पहनती, मेरी इच्छा भर जाएगी तो कुछ खाने वाला तो है नहीं। चलो मैं थाली लगा के आती हूँ, फिर आपसे मिलकर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस ये है हमारी गुड़िया की थाली, मैंने तो ये बनाया, आप लोगों ने क्या क्या बनाया है कमेंट करना। थोड़ा पास लाओ दिखा दो, मतलब मैंने ये बनाया पूरा दिन के खाने में। सबसे पहले तो मीठे शुरुआत करते हैं। ये है हमारी सूत फेनी, और ये है हमारे चने फ्राई, और ये हमारी घुइया की सब्ज़ी, ये है हमारी पूड़ियाँ, और ये है अचार। तो अभी ये बच्चे खाएंगे और मैं भी थोड़ा सा ये खाऊंगी, सूट पहनी और चने खाऊंगी, ज़्यादा पूड़ी वूड़ी खाने का मन नहीं है। हाँ तो लोग खाओ, और पहले तो आप लोगों का हक है, पहले नहीं, पहले आपको मीठा खिलाएंगे, मीठा पहले आपको मीठा, ये आप लोगों के हक, मतलब आप लोगों का। तो अब फ्यूज़ खा के बताएगा कैसा बना। तो ऐसे को हमारे इधर तो सभी लोग के यहाँ अभी यही बना होगा, गर्मी लग रही है, आज पंखा बनने के लिए गया है तो हम लोग ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा, खर 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 की आवाज़ आ रही होगी ना, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना और ध्यान उस पर माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये पंखा चल रहा है। टेबल फैन दिखा दो जरा सा, ये पंखा देखिए छत वाला बंद है, कूलर चलाएंगे तो और तेज़ आवाज़ आएगी, तो इसलिए ये देखिए वो पंखा, और हम लोग ये वाला पंखा लगा रहे तो गर्मी भी लग रही है, और ये वाला चला रहे और वो पंखा उसमें पता है क्या हो गया था, उसका वायरिंग कट गई तो बहुत धीमा चल रहा है वो पंखा, तो बनने गया आज ही ले गए बाबू, बनवा के शाम तक ले आएंगे। तो आवाज़ के लिए माइंड मत करना, मैं सोच रही थी आप लोग सोच रहे होंगे क्या आवाज़ आ रही है, तो सोचिएगा नहीं, मैंने पहले से आपको बता दिया। चलिए अब हम खा के आपको बताते हैं, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, कर दिया करो यार, हम भी अच्छी वीडियोस बनाते हैं एक बार देखते हैं और लाइक भी करते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो होता है सब कर दिया करो गाइस। अच्छा लगता है आपके लाइक और कमेंट से ना, हम मोटिवेट होते हैं और बड़ी खुशी होती है कि हाँ लोग हमें पसंद करते हैं, तो कर दिया करो, मैं तो कहती रहूँगी जिसको करना है करिएगा, ज़रूर करिएगा। और ये क्योंकि मेरा तो कहना है काम है, तो अच्छे खा रहे, मैं भी खाती हूँ, अभी आपको मेरा वाला सूट करिए। बहुत गर्मी, अभी दो दिन में मौसम सही था, अभी धूप निकल रही तो गर्मी भी लग रही बहुत ज़्यादा। तो मैं खा रही हूँ, मेरे अभी आपको पहले हैप्पी गुड़िया, हैप्पी नागपंचमी, बुढ़िया आती है कि त्यौहार में इंसान ये सब चीज़ खाता पता खा पाता है। और सूट पहनती का स्वाद ना, एक उस दिन दिखाई थी ना मैंने, जो मम्मी आई थी देने, जो ब्राउन वाली होती है उसका स्वाद बिल्कुल जैसे लगेगा, हम चाय के साथ नहीं, बहुत लोग अभी भी खाते होंगे, अभी भी आता है, जीरा नहीं खाते, सेम टू सेम फ्लेवर वही आ रहा है, जैसे लग रहा है हम लोग जीरा खा रहे हैं, बहुत ही मतलब सोना सा स्वाद आ रहा है। और बहुत सिंपल है ये, तो बनी बनाई रहती है, बस दूध आप गर्म करिए, उसमें चीनी डालिए, फला के चीनी डाल लीजिए, बस इसको उसी में डाल दीजिए, भूल जाएगी, उसके बाद खाइए, जब मन है तब खा सकते हैं इसको। लेकिन इंसान ऐसे नहीं खाता, तीस त्यौहार आता है तभी लाता भी है, तभी खाता है। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से, आपकी गुड़िया और मैंने जिससे बनाई है उससे कहीं अच्छी आपकी लोगों
त्यौहार मनाया होगा, सभी ने मनाया होगा, और गुड़िया का त्यौहार आपका भी बहुत ही अच्छा गया होगा मेरी उम्मीद है, और अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि हम आपके लिए दुआ करते हैं, क्यों नहीं अच्छा होगा। और जो भोले भक्त जो महादेव हैं, और तो हमारे यहाँ तो साक्षात आप सबने दर्शन कर ही लिए, बड़े नहीं मिले लेकिन हाँ मिले ना, छोटे बच्चे मिले लेकिन अपना रूप उनने आज के दिन अपना क्या कहते हैं दर्शन दिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज दर्शन आपको मिले, मुझे भी मिले, सबसे पहले तो मुझे मिले, फिर आपको भी मैंने दर्शन कराए, तो आशा यही है कि अच्छा लगा होगा आपको भी। आयुष ये पता नहीं लड़का भागता ही रहता है ना, हाँ वो जिमी को माना है, जिमी मांग रहे खाना, अभी जिमी को भी देंगे, ये सभी लोग खा लेंगे तो जिमी को देंगे, बहुत अच्छा है गाइस। तो फैमिली तो बोला तो 2 मिनट हमको भी 2 ही लग रहा था। कैसी लग रही पूरी सब्जी? हाँ अभी मैं थोड़ा सा चना खाऊंगी, तुम सर लगा लेते हो, मेरे बाकी नहीं हो पाती है, इधर बैठा करो ऐसे। तो चना भी बहुत टेस्टी लग रहा है और बहुत ही मतलब फ्लेवरफुल बना है, बहुत कम मसाले डाले थे लेकिन अच्छे लग रहे हैं। ये सब चीज़ें मतलब तीज त्यौहार में कुछ ज़्यादा ही स्वाद देती है, ऐसे अब बनाओ तो नहीं समझ में आता है, लेकिन किसी चीज़ का महत्व किसी जिस दिन होता है उस दिन ज़्यादा अच्छा लगता है ना गाइस। तो आप लोगों को कैसे होता है कमेंट जरूर करना, और मेरे यहाँ ऐसा होता है, मैंने पूरा खाना पीना नहीं आपको बनाते हो, सुबह से बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और मैंने सबको खाना टिफिन दे के दुकान भेज के काम पर भेज के उसके बाद मैंने पूरी तैयारी की, तैयार हुई सारा काम फिनिश करके सब पूजा करी है, तब इतना टाइम थोड़ा सा लेट भी आएगा, आज का ब्लॉग आपको लेट मिलेगा उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि आज का ब्लॉग आज ही आपको हम दे रहे हैं इसीलिए गाइस। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ कल आपके साथ, तो जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और छोटो सा बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक मतलब आ जाए। तो गाइस और क्या बोलना था, फैमिली मेरी फैमिली, तो जाते जाते खुद का ख्याल रखो, उधर खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, और जिससे प्यार करते हो उसका ख्याल रखो। ओके फैमिली नमस्ते, बाय, लव यू। टिका 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 टिका।